थैंक यू, शुक्रिया। एक शुरुआत में एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी पूरी बातचीत में अगर आप लोगों की इजाज़त हो, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, उनके साथ इस मीटिंग के बाद मैं एक अलग से चाय पीऊँगा और आधे घंटे में उनके साथ बात करूँगा, ठीक है सर? आपके साथ और यस तीन लोग, ठीक है, फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया इस इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करने के लिए, और बहुत सुंदर सा मेरा परिचय भी दिया गया, मेरा लगभग छोटा सा एक बायोडाटा जैसा, और बहुत महत्वपूर्ण दिन पर हम लोग आज बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और सिर्फ एक चीज़ मैं बातचीत शुरू करने से पहले जानना चाहूँगा कि मेरे पास कितना सा समय है, आप लोगों के पास कितना समय है और कितनी देर तक आप हमें सुनना चाहते हैं? तो 15 मिनट्स में एक अलर्ट आप मुझे दे दें, ठीक, उसके बाद लेकिन 10 मिनट में मैं बोलूँगा, हैं। कांशीराम साहब के बारे में बात करते हुए दो चीज़ें आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि मेरी अपनी ट्रेनिंग जो है वो मास कम्युनिकेशन और सोशियोलॉजी की है, पॉलिटिकल साइंस में बीच बीच में मैं थोड़ी बहुत उसमें कोशिश की है मैंने कि उसको जानने की कोशिश करूँ। बहुत अच्छी सेटिंग में ये बातचीत हो रही है और अच्छा सा मौसम भी है, तो उम्मीद है कि आप मेरी बातचीत सुनेंगे और आपके जो कुछ पुराने थॉट्स होंगे, कुछ सोचने का जो तरीका होगा उसको अगर मैं चैलेंज कर सकूं तो शायद मैं अपना काम, लेक्चर देने का जो मेरा काम है, मेरे बोलने का जो काम है, उसको मैं पूरा कर रहा हूँगा। तो कांशीराम साहब के बारे में बात करते हुए कांशीराम साहब को इंडियन हिस्ट्री में कहां पर सिचुएट करें, इस समस्या को ढूंढने की मैं कोशिश अगले एक घंटे के अंदर में करूंगा। देखिए, आजादी के समय का जो समय था, उस समय भारत राष्ट्र ने कुछ सपने देखे थे, कुछ बड़े सपने देखे थे कि किस तरह से इस राष्ट्र को बनना है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक ऐसे देश में जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के इनइक्वालिटीज हैं, और वो इनइक्वालिटीज यूरोपियन या अमेरिकन इनइक्वालिटीज से अलग हैं, इवन रेस का भी इशू जो है वो इंडियन इनइक्वालिटीज से अलग है, तो ऐसे देश में एक बहुत ही मॉडर्न किस्म का इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कोशिश की कि एक आधुनिक लोकतंत्र हम यहाँ पर, मॉडर्न डेमोक्रेसी हम यहाँ पर बनाएंगे। इसके चैलेंजेस थे, आप अगर इवन 25 नवंबर 1949 का बाबा साहब का स्पीच देखें तो वो सारे चैलेंजेस हम लोगों को मिल सकते हैं कि किस तरह से ये राष्ट्र बनाना कितना मुश्किल है। इसलिए वो बार बार आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में एक वर्ड आता है, एक फ्रेज आता है कि नेशन इन द मेकिंग, हम राष्ट्र नहीं है, हम एक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम एक एफर्ट में हैं, हम एक प्रोसेस में हैं कि एक नेशन बनाएंगे जहाँ पर सारे लोगों के बीच शेयर्ड सॉरो, शेयर्ड जॉय, शेयर्ड ड्रीम, जो अंशलेनन की नेशन की डेफिनेशन है, उसके जैसा एक राष्ट्र हम बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर किसी एक को दर्द होगा तो बाकी को भी बुरा लगेगा, कोई खुश होगा साथ में हम खुश हो सकते हैं और साथ में सपने देख सकते हैं, अपने पीछे की हिस्ट्री को भूल के, पीछे बहुत सारी कड़वाहट हुई होगी। आप कल्पना कीजिए कि सदर्न इटली अगर ये सोचे कि नॉर्थ इटली के लोगों ने हमें गुलाम बनाया, हमारी औरतों का रेप किया, तो इटली एक देश नहीं बन सकता है। फ्रांस में भी इस तरह से आप देखेंगे कि कम से कम 5-7 अलग अलग फॉर्मेशंस बहुत बुरी लड़ाइयाँ लड़े हैं, लेकिन आज का फ्रांस का कोई आदमी उसको याद नहीं करता है कि हम में से किसने किसकी माँ के साथ क्या किया और किसके बाप के साथ क्या किया। तो आपका जो हिस्ट्री है वो अगर आप भूल नहीं सकते हैं तो आप नेशन नहीं बना सकते हैं। इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि इवन हिस्ट्री के जो किताबें हैं वो नेशन की दुश्मन है। आप यही अगर याद करते रहें कि मुसलमान आए, उन्होंने अत्याचार कर दिया, और आर्यंस आए और उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया और ये कर दिया, तो आपकी वो दोस्ती नहीं बन सकती जहाँ पर आप एक देश, एक महान कोई देश बनाने की कल्पना करें। ये आप नहीं कर सकते। थॉट ऑन पाकिस्तान अगर आप बाबा साहब का पढ़ेंगे
तो उसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमको किस तरह से एक शेयर्ड तरीके से हमको इस देश को बनाना है, एक इस देश को देश बनना है तो, और क्या क्या होने से नहीं बन सकता, इसको उन्होंने पूरा एक थीसिस वहां पर आपको मिलेगी। तो हम जब 1950 में एक जर्नी शुरू कर रहे हैं कि हम बहुत सारी पुरानी बातों को भूलकर एक महान राष्ट्र मिलकर बनाएंगे, तो हमने एक संविधान को अपनाया, उसमें हमने बहुत सारे फॉर्मुलेशन बनाए कि इस तरह से इस देश को हम बनाएंगे। साथ में हमको नक्शा झंडे के अलावा एक देश को चलाने का एक तरीका भी मिलता है। यहाँ से राष्ट्र बनाने की जो जर्नी शुरू होती है, उसमें इस राष्ट्र ने यहाँ के लोगों के साथ कुछ प्रॉमिसेस किए हैं कि हम आपको क्या 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 देंगे और बदले में आप हमारे साथ किस तरह का एक नेगोशिएशन होता है। अलग अलग कम्युनिटीज अलग ढंग से नेगोशिएट करती है इस नेशन के साथ, और नेशंस भी उन कम्युनिटीज के साथ एक नेगोशिएशन करता है, कुछ प्रॉमिसेस करते हैं कि हम जब देश बनाएंगे तो आपको समानता का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, आपको नेशन के जो रिसोर्सेज हैं उसमें आपको शेयर होगा, आप सब बराबर माने जाएंगे, ये सारे प्रॉमिसेस हैं। तो इन प्रॉमिसेस के साथ हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। इसमें जो सबसे मार्जिन के कम्युनिटीज हैं उनको नेशन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से ये टाइटल आता है कि वो जिसका वर्ड यूज़ किया है कांशीराम साहब ने बार बार कि चमचे पैदा हुए, वो एक सिस्टम उन्होंने बनाया कि जो सेपरेट इलेक्ट्रेट, असल में ये पूरे हिस्ट्री के अंदर ही देखिए कांशीराम साहब को सिचुएट कीजिए, आप इसको पुना पैक्ट के बगैर कांशीराम साहब को नहीं देख सकते हैं, इवन फुले के बगैर आप कांशीराम को नहीं देख सकते, अम्बेडकर के बगैर तो कतई नहीं देख सकते हैं। वो पूरी एक पूरा एक कोलाज है, उसमें एक पार्ट के तौर पर आप कांशीराम साहब के आइडियाज को और उनके काम को आप सिचुएट करेंगे, तभी आप कांशीराम साहब को देख सकते हैं, वरना वो आपको लगेगा कि एक आदमी अचानक से आता है, 10 साल में एक पार्टी बनाता है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है वोट शेयर के टर्म में, देश का सबसे बड़ा राज्य में उनका शासन आ जाता है, उन्होंने ये काम किया और कांशीराम साहब की कहानी खत्म। दरअसल इतना मामला नहीं है, वो पूरे हिस्ट्री का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, और उसके बगैर आप इस नेशन को नहीं समझ सकते हैं। कांशीराम साहब को आपको वहीं से देखना पड़ेगा, इसके बगैर आप इस देश को भी नहीं समझ सकते अगर आप कांशीराम साहब को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए जो एक बात आई थी कि एकेडमिक्स ने इनको क्यों इग्नोर किया, मुझे लगता है कि एकेडमिक्स का ये अपराध है कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के इतने बड़ी एक पर्सनालिटी को जिसका इतना इम्पैक्ट है, इस पर आज की तारीख में मुझे नहीं मालूम कि कितने PhDs हुई हैं, कितने MPhil लिखे गए हैं, कितने पेपर्स लिखे गए हैं, ये एक तरह से इंडियन एकेडमिक्स की बहुत बड़ी कमी है। खैर, मैं अपनी बात पर लौटता हूँ। तो नेशन ने जो प्रोमिसेस किए उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना और एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक सिस्टम हमको मिलता है। वो प्रॉमिस ये है कि खास करके SC and ST को, और थोड़ा सा कम लेकिन वो भी है कि OBCs को भी इस नेशन में हिस्सा मिलेगा और उसके रिसोर्सेज में यहाँ की प्रगति होगी तो उनकी प्रगति होगी, क्योंकि वो नेशन का पार्ट है, उनको अगर कोई तकलीफ होगी तो बाकी लोगों को भी तकलीफ होगी, और यहाँ के जॉब्स से लेकर सब चीज़ में उनको भी हिस्सा मिलेगा। जॉब्स की बात तो बहुत एकदम 16(4) आर्टिकल में साफ साफ है कि जहाँ अंडर रिप्रेजेंटेड है वहां पर आपको रिजर्वेशन वर्ड यूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि मिलेगा। इसकी वजह से पार्लियामेंट्री प्रोसेस में SC and ST के लिए सीट रिजर्व थी। ये अंबेडकर साहब की मूल परिकल्पना में कहीं नहीं था, वो पूना पैक्ट से पहले जो मांग रहे थे वो था कि सेपरेट इलेक्ट्रेट, वो उनको नहीं मिला तो एक बहुत मजबूरी में स्वीकार किया गया फॉर्मूला था कि आप सीटें रिजर्व कर दीजिए, और वहां पर उसमें वो उन्होंने मांगा भी नहीं, वो उनको लगभग जबरदस्ती ऑफर किया गया, उनको लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा, इसके लिए आप जानते हैं आप में चाहता लोग कि वो सिचुएशन ऐसी थी जहां पर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा पुनः पैक्ट। तो इससे एक सिस्टम बनता है और SC ST के प्रतिनिधि लोकसभाओं और विधानसभाओं में आने लगते हैं। लेकिन वो पूरा स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा उसको देखिए, कागज को ड्रॉ करके देखिए कि भारत में लोकसभा या विधानसभा की कोई ऐसी सीट नहीं है जिसमें कि SC पॉपुलेशन, मुझे करेक्ट कीजिए, हो सकता है कि वो डाटा में बहुत एम्पिरिकल डाटा के बेसिस पर नहीं बोल रहा हूँ, एक कॉमन सेंस के बेसिस पर बोल रहा हूँ, कि 20% से ज़्यादा दलित हों ऐसी SC सीट शायद नहीं है। 25 हो सकता है, एक दो जगह कहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा SC पॉपुलेशन हो ऐसी कोई सीट नहीं। अब आप एक सीट की कल्पना कीजिए कि जिसमें कि 20% दलित हों और सिर्फ
दलित कम्युनिटीज के कैंडिडेट वहां पर है। अभी दलित कम्युनिटीज के अंदर क्योंकि वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है तो अलग अलग कास्ट के वहां भी कैंडिडेट खड़े होंगे। अभी वहां पर जीतेगा कौन? जीतेगा वहां पर वही जो बाकी का जो 80% पॉपुलेशन है वो जो चाहेगा वही जीतकर आएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है ये, सिंपल आप बंबई की एक सीट को देख लीजिए और उसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि 20% दलित पॉपुलेशन 80% नॉन दलित पॉपुलेशन, वहां जीतकर कौन आएगा। तो हमारे जो दलित प्रतिनिधि हैं आदिवासियों में, कुछ सीट है जहाँ पर आदिवासी उससे ज्यादा है लेकिन वो भी लगभग इस तरह की प्रॉब्लम में है। तो वो जो प्रतिनिधि जीत कर आएंगे वो एससी और एसटी के लिए बहुत एग्रेसिवली काम करें तो वो अगला चुनाव नहीं जीत सकते। तो इस सिचुएशन में हमने अपने दलित और शेड्यूल ट्राइब के चुने हुए प्रतिनिधियों को छोड़ दिया। अब उनको हम कह सकते हैं कि वो चमचे हैं, लेकिन अगर वो चमचे नहीं होंगे तो क्या होंगे, और ये क्या बगैर चमचा बने वो सर्वाइव कर सकते हैं? क्या ये संभव है कि मैं 80% नॉन दलित इलेक्टोरेट से चुनकर आऊं और 20% के लिए ऐसा काम करूं जो कि 80% को सूट नहीं करता है? क्या ये मेरे दूसरी बार चुन के आने की इसकी कोई संभावना है? या इलेक्शन के कैंपेन के दौरान अगर मैं कहूं कि मैं दलितों के लिए एक्स वाई जेड ये तीन काम करना चाहता हूं जिससे कि अगर बाकी कम्युनिटीज को दिक्कत है तो क्या वो काम मुझे करने दिया जाएगा? तो ये सिस्टम अपने आप में ऐसा है जहां पर कि एससी एसटी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का दलाल या चमचा होना, जो भी आप गाली दे लीजिए, लेकिन वो गाली उन पर इसलिए है क्योंकि वो स्ट्रक्चर ऐसा है। ये उनकी बदमाशी नहीं है जब वो दलितों के पक्ष में खड़ा नहीं होते हैं। एससी एसटी एक्ट पर पार्लियामेंट में खड़े होकर 5 या 10 दलित प्रतिनिधि भी नहीं कहते हैं कि इस एक्ट को आप इस तरह से क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं। ये हिम्मत अगर उनको नहीं पड़ती है तो हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती है कि वो बदमाश है, इसलिए नहीं पड़ती है कि वो चमचे हैं, इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर उनको चमचा ही बना सकता है। तो इस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ हमने अपनी जर्नी 1950 में शुरू की। यहां तक तो चलिए ठीक है कि एक आपने उसमें कांग्रेस ने कुछ लोगों को एप्रोप्रिएट किया, कुछ थोड़ा बहुत दिया, कुछ एक्ट्स वगैरह बनाए, कुछ थोड़ा बहुत देने की कोशिश की है। उस समय वो कॉन्ट्रडिक्शन उतना सामने नहीं आया था, वो उतना शार्प नहीं हुआ था कि वो उतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाए कि जिसको तुरंत एड्रेस करना पड़े। लेकिन आप इंडियन नेशन की शुरुआत की 30 साल की जर्नी के बाद इसमें बहुत मेजर आपको फॉल्ट लाइन्स दिखने लगते हैं। आप कल्पना कीजिए जिस समय कांशीराम साहब 1971 में पहली बार जो बताते हैं कि मैं एनालिसिस ऑफ कास्ट मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि कुछ अब करना चाहिए, तो एनालिसिस ऑफ कास्ट जिस समय कांशीराम साहब पढ़ रहे थे 1971 में, उस समय भारत में और क्या क्या हो रहा था याद कीजिए। 71 में लगभग भारत में वो फिल्में बननी बंद हो गई थी जिसमें कि वो मेरे देश की धरती सोना उगले टाइप का कि देश कुछ बहुत सुंदर पश्चिम सूरज उग रहा है और देश अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हर किसी को रोजगार होगा, सब घर में उजियारा होगा, वो सपनों वाला ड्रीम वाला फेज खत्म होता है। एंग्री यंग मैन की एंट्री लगभग उस समय हो रही होती फिल्म में, जो कि नाराज है, वो सिस्टम से नाराज है, वो तमाम तरीके से अपनी नाराजगी जता रहा है। 1969 में नक्सल मूवमेंट शुरू होता है और देश के बड़े हिस्से में यूथ उस समय नक्सल मूवमेंट में आता है और वो कहता है कि इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता है, हम इसको बंदूक की नो से उसको वो पावर निकलती है और ये पावर निकलेगी और हम इस सिस्टम को बदल देंगे। तो आपको कल्चरल लेवल पर ये हो रहा है, फिल्में उस तरह से बन रही हैं। लोहिया मूवमेंट उस समय फिर आगे बढ़ता है और खास करके किसान जातियों का सवाल उस समय फिर सतह पर आता है कि किसानों को वो नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, नेशन ने उनको भी फेल किया और किसानों को ना वो फसल मिल रही है, किसानों 2 बीघा जमीन जैसी फिल्म शायद उसी समय बन रही होती है, किसान को अपनी जमीन गिरवी पर रख देनी पड़ती है, कलकत्ता जाके हाथ रिक्शा चलाना पड़ रहा है, तो वो तरह तरह की क्राइसिस उस समय आपको 1971 के आसपास जिस समय बाबा ये कांशीराम साहब एनालिसिस ऑफ कास्ट पहली बार पढ़ रहे हैं उस समय का समय देखिए, वो एकदम उथल पुथल का समय है। उसको थोड़ा सा इंदिरा गांधी के समय में स्टेट भी तो कई बार खुद को रिकैलिबर करता है, एडजस्ट करता है, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करने के लिए वो नेशनलाइज बैंक नेशनलाइजेशन करती हैं और गरीबी हटाओ की बात करती हैं
फिर एक वॉर होता है जिस समय भारत और ये बांग्लादेश को अलग नेशन बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें 1971 में हो रही हैं जिस समय कांशीराम साहब एनाइलेशन ऑफ कास्ट प्रोग्राम। अब इंडियन स्टेट ने जिन लोगों से जो प्रोमिसेस किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, ये सिचुएशन है। और बाबा साहब 1949 में ये अलर्ट देते हैं कि जिन लोगों में डिसकंटेंट है वो डिसकंटेंट दो कारणों से हो सकता है, इकोनॉमिक जो भेदभाव है उसकी वजह से और जो सामाजिक भेदभाव है इसकी वजह से डिसकंटेंट पैदा होगा, और अगर इसको हमने मैनेज नहीं किया तो इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो नहीं चलेगी। ये बाबा साहब ने 1949 में इंडियन स्टेट को एक तरह से अलर्ट दे दिया था कि ये प्रॉब्लम आने वाली है आपके साथ। ये प्रॉब्लम 30 साल बाद बिल्कुल शार्प होके आपको सामने दिखने लगती है। आप उस समय के कुछ भी देखिए, आपको उस समय के जो फिक्शंस लिखे गए उनको देखिए तो आपको ये दिखेगा। मतलब इसके लिए बहुत आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। उस समय हालांकि यूरोप वगैरह में भी बहुत कुछ चल रहा था, फ्रांस में यूथ सड़कों पे था और आपको हिप्पी मूवमेंट और बहुत सारी चीज़ें उस समय हिप हॉप बहुत तेजी से, ब्लैक्स जो हैं वो अपने को लगातार जेल में डाले जाने के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, डेट्रॉइट्स में राइट्स होते हैं जो जिसके बाद वो नेशनल रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनता है, केरनर कमीशन, जो ब्लैक्स के साथ जिस तरह से यूरोप अमेरिका चल रहा है वैसा नहीं चल सकता है। सारी दुनिया में एक उथल पुथल का दौर है जिस समय कांशीराम साहब को लगता है कि अब नौकरी छोड़ के मुझे एक सोशल मूवमेंट में जाना चाहिए। अब जिस सोशल ग्रुप को वो एड्रेस कर रहे हैं वो सोशल ग्रुप इंडियन स्टेट ने उनको एक तरह से पूरी तरह से फेल कर दिया है उसको। अब आज के तारीख में अभी थॉमस पिकेटी जिन्होंने कैपिटल इन 21st सेंचुरी लिखी है उनका एक स्टूडेंट है, उसने भी स्टडी करके बताया कि अभी इंडिया का जो सिस्टम है और पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अपर कास्ट को ज़्यादा तेजी से अमीर बनाएगा और जो लोअर कास्ट हैं उनको उस पेस से उनके अंदर प्रोस्पेरिटी नहीं आएगी। एम्पिरिकल डाटा के थ्रू उन्होंने इसको प्रूव किया है, ये रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है। अभी जैसे वो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है और वो शायद नेशनल हेल्थ सर्वे से उन्होंने डाटा लिया है कि एक दलित औरत और एक अपर कास्ट की औरत अगर एक साथ पैदा होती है तो दलित औरत 14 साल पहले मर जाएगी और सवर्ण औरत 14 साल ज़्यादा जिंदा रहेगी। तो इस तरह की सिचुएशन लगभग वो 70s में आने लगी थी कि आपके एक मोहल्ले में ही अपर कास्ट का आदमी जो तेजी से अमीर हो रहा है और बाकी लोग कम तेजी से अमीर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या गरीब हो रहे हैं, और हेल्थ से लेकर सारे एजुकेशन सारे इंडिकेटर्स अभी भी आप देख लीजिए कोई एक भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो ये बता रहा है कि इंडियन स्टेट ने जो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्योंकि कई बार एक आप टेलियोलॉजिकल तरीके से भी देखते हैं कि टेलोस क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, आपने कहा तो यही है लेकिन आपका रिजल्ट क्या हुआ, आपने दिया क्या। तो टेलियोलॉजी मुझे बता रही है इंडियन स्टेट की कि एससी एसटी जन ओबीसी फार्मर्स और इवन वीमेन इनके साथ ये स्टेट जस्टिस नहीं कर पाया है। इसके आज की तारीख में कोई भी एम्पिरिकल एविडेंस इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। मैं जो ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इन सोशल ग्रुप्स के साथ इवन जेंडर के ऊपर और इवन अर्बन रूरल डिवाइड के का भी देखें तो इन सब में जो डिप्राइव्ड हैं वो उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाया है। तो 1971 में कांशीराम साहब इस सिचुएशन के अंदर हैं। अब अगर इसी समय आप दुनिया में देखें और क्या क्या चल रहा था, इस समय आप 1945 से लेके 50s के बीच में जो देश आज़ाद हो रहे थे उन देशों में इस समय भयानक उथल पुथल है। कहीं पर मिलिट्री रूल लग रहा है, कहीं देश टूट रहे हैं, कहीं पर वायलेंस एकदम सड़कों पर है, बहुत अजीब तरह का पूरी दुनिया में उस समय का माहौल है। इसी समय ये बाम सेफ आपको 1978 वगैरह में जब बन रहा है वो इस समय की दुनिया ऐसी है। तो अगर कांशीराम साहब को अब आप हिस्ट्री से वहाँ से निकाल दीजिए कि वहाँ पर कांशीराम साहब नहीं है या वो पूरा फिनोमेना नहीं है, बाम सेफ नहीं है, PSP नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ, हालांकि मैं इसको प्रूव नहीं कर पाऊँगा, कि अगर कांशीराम साहब नहीं होते तो इंडिया की कहानी भी वही होती जो उस समय दुनिया के लगभग 40-50 देशों में हो रही थी। बहुत ज़्यादा सोशल अपील, डिसकंटेंट एकदम चरम पर और पूरा स्ट्रक्चर टूट फूट रहा होता और वो जो जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी अडॉप्ट भी की गई थी वो फेल हो रही थी। तो भारत भी एक तरह से मैं ये आज कहता हूँ और जब मैं कई बार कहता हूँ तो लोग उसको हल्के में लेते हैं कि कांशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए
तो इसके पीछे मैं इसी चीज को देखता हूँ कि उन्होंने एक तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ी अपील से बचाया, क्योंकि उन्होंने फिर से एक ड्रीम दिया, जो ड्रीम आप 47 टू 49 50s में ड्रीम जो लोगों ने देखा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ड्रीम एक बार फिर से कांशीराम साहब नए ढंग से उन लोगों को जो डिप्राइव्ड हैं उनके बीच में वो ड्रीम लेकर आते हैं। असल में जो डेमोक्रेसी है वो कई सारे इंस्टीट्यूशंस के जरिए काम करती हैं, वो कोई एक अमूर्त चीज़ नहीं है जिसको कि आप देख ना सकें। डेमोक्रेसी मुझे इस रूप में भी काम करती है कि मैं जब कोर्ट में जाऊं तो मुझे न्याय मिले, जब मैं एक ऑफिस में जाऊं तो मुझे सुना जाए, अगर मैं थाने में जाऊं तो मेरी शिकायत लिखी जाए। ये सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं एक्चुअली, इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए डेमोक्रेसी दुनिया में काम करती है। इन इंस्टीट्यूशंस में चूंकि एससी एसटी या ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो अपने जो स्ट्रक्चरल इनके इश्यूज हैं वो इन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेड नहीं होने की वजह से और पुराना जो स्ट्रक्चर था भारत का कास्ट का, इसकी वजह से ये इंस्टीट्यूशंस इन कम्युनिटीज को फेल कर रहे थे और वो काम नहीं हो रहा था, और खास करके एससी एसटी एंड ओबीसी के जनप्रतिनिधि भी अपना काम नहीं कर पा रहे थे। तो इस चरम निराशावाद के दौर में कांशीराम साहब ने ये कहा कि हम इनको ठीक करेंगे, ये देश ऐसे नहीं चल सकता है और इस देश का राजकाज अब बहुजनों को अपने हाथ में लेना चाहिए। और यहाँ पर एक वो ड्रीम्स नहीं बेच रहे हैं, एक पूरा फॉर्मुलेशन भी दे रहे हैं कि ये काम कैसे होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कि देश ऐसे चलना चाहिए टाइप पर नहीं है, वो चाहिए कि बियॉन्ड वो जाते हैं, कहते हैं कि ये काम इस तरीके से होगा, और इसके लिए वो एक पूरा फॉर्मुलेशन बनाते हैं, डॉक्यूमेंट भी करते हैं। बाबा साहब ये कांशीराम साहब का काम बहुत डॉक्यूमेंटेड भी है, पता नहीं रिसर्चर्स की नज़र उस पर क्यों नहीं पड़ी है। वो शुरू से ही अपनी पत्रिकाएं निकालते हैं, अपने जर्नल्स निकालते हैं, ऑपरेस्ट इंडियन बहुत पहले आ गया था, बहुजन संगठक लगातार 80s के बाद तक चला है, तो वो अपने संपादकीय खुद लिखते हैं, एडिटोरियल्स लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि बरेली में एक स्कूल के बाहर शराब का एक की दुकान थी, उस दुकान को हटाने के लिए कांशीराम साहब धरने पर बैठे थे। तो ये जो लोग कांशीराम साहब को यहाँ रिड्यूस करते हैं कि बस वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कास्ट ये अरिथमेटिक के जरिए उन्होंने राज हासिल करने का सपना बेचा और सपना पूरा कर लिया, ये इतना सिंपल मामला नहीं है। वो एजुकेशन पर बात करते हैं, वो अपनी बुरी आदतें छोड़ो, शराब छोड़ो, ये करो, और कैसे आप एजुकेशन में जाओ, आपको शासक बनना है, जिसे बार बार कहते हैं कि दीवारों पर लिख दो कि हमें शासक बनना है, ये सारी चीज़ें वो बार बार कहते हैं। और इसमें एक फिर वो जो ड्रीम ये बना रहे हैं कि हमें अब शासन अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि जिनके हाथ में हमने देकर भरोसा कर लिया वो अपर कास्ट अपना काम डिलीवर नहीं किया, दे फेल टू डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस्ड, यहाँ पर वो कहते हैं। इसलिए आप इस नारे पर जब कहते हैं कि अपना शासक बनना है, उसके साथ आप कांशीराम साहब को थोड़ा सा वो जो पीछे की ओर जाके वो देखते हैं, तो इसको भी आप साथ में पढ़िए कि वो एक फेलियर के सामने एक नया मॉडल रखते हैं कि ये फेल्ड मॉडल है, हम एक दूसरा मॉडल खड़ा करेंगे। और इस वजह से कांशीराम साहब ने यहाँ से एक जर्नी शुरू करते हैं, वो 1971-1973 इस तरह से, फिर 78 जाते जाते वो बामसेप बनाते हैं, बाद में वो DS4 और फिर BSP बनाते हैं। बाद वाली कहानी उनकी बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, तो वो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं अपनी बेसिक जो थीसिस है उसी पर मैं टिका हुआ हूँ कि कांशीराम साहब को अगर आप हिस्ट्री में देखें तो उसका उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बगैर आप आज की तारीख में भारत को शायद इससे ज़्यादा बुरी स्थिति में देखते, जहाँ पर ये है। क्योंकि आप देखिए, जब इस तरह के कोई मूवमेंट होते हैं तो फिर स्टेट भी चीज़ों को रीनेगोशिएट करने की कोशिश करता है, वो कुछ जिसको आप डोल कह लीजिए, वो कुछ बांटता है, कुछ छोड़ता है, थोड़ा स्पेसेस देता है, तो उससे फिर एक बैलेंस बनता है, एक इक्विलिब्रियम वहाँ पर इस्टेब्लिश होता है। इससे फिर लोगों की क्रांति नहीं होती है लेकिन जिंदगियाँ बदलती हैं। आप बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि रिजर्वेशन से इस देश में क्रांति नहीं हुई, बहुत सारे कम्युनिस्ट थिंकर्स ये थ्योराइज करते हैं और बोलने में शर्माते हैं, लेकिन निजी बातचीत में कहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन और दलितों कुछ मिल जाएगा, इसकी वजह से भारत में क्रांति नहीं हुई, और इस वजह से वो बहुजन मूवमेंट को अपनी क्रांति में बाधक मानते हैं। और आप बहुत सारे लोगों को ये बात सुनते होंगे, कम्युनिस्टों
ये में कि भाई इस ये अगर नहीं होता ये सारा कुछ, ये जो मैनेजमेंट है इंडियन स्टेट का ये नहीं होता और ये बहुजन मूवमेंट नहीं होता तो शायद जैसे कि उनकी कोई क्रांति इंतजार कर रही होती है वो उनके पास आ गई होती तो। लेकिन लेकिन आपको आपको क्या लगता है कि भारत में अगर आज इस समय जैसे आप एक कैलकुलेट कीजिए कि कुछ साल पहले का लेबर डिपार्टमेंट का डाटा है कि 1,98,00,000 लोग जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज में एम्प्लॉयज़ हैं। मान के चलिए कि रिजर्वेशन अगर उन पर लागू है ईमानदारी से तो 2,00,00,000 में 50,00,000 SC/ST और OBC रिजर्वेशन अगर लागू है तो 50,00,000 और। तो एक समय में 1,00,00,000 लोग इस समय रिजर्वेशन की वजह से वहाँ पर हैं जो अदरवाइज शायद नहीं होते। तो आज़ादी के बाद का पूरा समय लें तो शायद 5,00,00,000 लोगों का मिडिल क्लास भारत में बना है रिजर्वेशन की वजह से। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में 5,00,00,000 लोगों की लाइफ का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की शायद और कोई मिसाल नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में। 5,00,00,000 लोगों की जब मैं बोल रहा हूँ तो वो 5,00,00,000 परिवार हैं। एक आदमी का फिर परिवार होता है और वो जब पढ़ जाता है तो उसके नौकरी पा जाता है तो आमतौर पर अपने बच्चों को पढ़ाता है, फिर वो अलग अलग सेक्टर्स में भी जाते हैं। तो कम से कम मैं मिनिमम उस आंकड़े को ले आ रहा हूँ, 5,00,00,000 लोगों का मिडिल क्लास का फॉर्मेशन की इस पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन सा और एग्जाम्पल है। अब ये आपको क्रांति नहीं लगती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये क्रांतियाँ कई बार हमेशा मतलब इतना सिंपलिस्टिक और इतना लीनियर नहीं है कि आप आ गए तब क्रांति हुई। लोगों की जिंदगी बदल जाना भी तो क्रांति है। आप उसको उतना ज्यादा आप उसको रोमांटिक तरीके से क्यों देख रहे हैं कि एक लाल झंडा लेके आप चले जा रहे हैं और उसके बाद जाके और लाल किले पे डाल दिया आपने और उसके बाद क्रांति हो गई। इट्स नॉट ऑलवेज दैट रोमांटिक, उतना दिलचस्प नहीं होता है। एक आदमी को अगर क्लर्क की नौकरी लग गई, उसके बाद उसने अपने 2 बच्चों को पढ़ाया, उसके बच्चे पढ़ के शहरों में गए, उसने जिंदगी में पहली बार एक कार खरीदी, एक पक्का घर बनाया, उसकी लाइफ की क्रांति है। मतलब आप उसको मानिए ना मानिए उसकी लाइफ, आप पाते तो पता नहीं उससे बेटर होता कि नहीं होता। जैसे वो एक जोक है कि ब्रेजनेव जो रशियन प्रेसिडेंट थे कम्युनिस्ट रिजिम में, उन्होंने अपनी माँ को दिखाया कि ये मेरा समर हाउस है, ये मेरा विंटर हाउस है, यहाँ पर ये मेरा यॉट है, ये मेरा प्लेन है। तो उसकी माँ ने कहा कि लेकिन अगर कम्युनिस्ट आ गए तो क्या होगा। आप कम्युनिस्ट होना मतलब हमेशा उतना शानदार नहीं है, मतलब ऐसे मॉडल्स आपके पास नहीं है आप मतलब एनीवेज। खैर, तो कांशीराम साहब पर जब बात हम आगे उसको बढ़ाते हैं कि इंडियन स्टेट के जो उस समय के मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस थे जिसमें इंडियन स्टेट एक तरह से क्रैक कर रहा था, इमरजेंसी लगाई जा रही थी, उस समय उन्होंने जो सबसे डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको इन्होंने एक सपना दिया कि आप शासक बन सकते हैं और अब जब आप शासक बन जाएंगे तो वो मास्टर की होगी जिससे आपके बाकी सारे दरवाजे खुल जाएंगे। हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा सा हाइपरबोल, हो सकता है लग सकता है कि उन्होंने ज़्यादा बड़ी बात कह दी, एग्जैक्टली होता इस तरह नहीं होता होगा और मैं मानता हूँ कि होता कि ऐसा ना होता हो, लेकिन कम से कम एक डेमोक्रेसी में उनकी आस्था लौटती है, एक भरोसा लौटता है कि हम चीज़ों को बदल सकते हैं। और बदलने का एक मॉडल ये है कि SC/ST अगर माइनॉरिटीज और OBC के साथ यूनाइट हो जाते हैं तो ये ड्रीम पूरा किया जा सकता है। इसलिए बामसेफ का नाम में ही आप देखिए कि बैकवर्ड क्लास है, माइनॉरिटी है, और उनको साथ लेकर आपको कांशीराम साहब के पुराने स्पीचेज अगर आपको कहीं यूट्यूब पर मिले तो उसको सुनिए, या कांशीराम साहब के स्पीचेज का कलेक्शन यार अकेला साहब ने किया है उनको पढ़िए। तो हर स्पीच के बाद में कांशीराम साहब कुछ लोगों के नाम लेते हैं, या जब रिपोर्टिंग होती है तो बाद में उस मीटिंग में और ये थे। इसके बगैर BSP की जो मैगजीन्स हैं और उनके जो न्यूज़ पेपर्स हैं इसकी कोई रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होती है कि इस सभा की अध्यक्षता इन्होंने की, सभा का संचालन इन्होंने किया और सभा में इन्होंने भी अपनी बात रखी और ये उपस्थित थे। वो लिस्ट काफ़ी लंबी होती है और कई बार वो उसमें 20-20 नाम होते हैं और आप उन 20 नाम को पढ़िए तब समझ में आएगा कांशीराम साहब क्या थे। वो 20 नाम अलग अलग कम्युनिटीज़ के थे, उनमें कुछ कम्युनिटीज़ के हो सकता है कि बहुत कम लोग हों, इलेक्ट्रल मैथमेटिक्स के हिसाब से उनका कोई मतलब ना हो सकता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी में 200 लोग हों, कम वो जाति कम संख्या वाली है,
लेकिन उसका भी नाम वो ले रहे हैं। और ज्यादातर सभाओं में कांशीराम साहब ने अपनी सभाओं में जो अध्यक्षता करने का काम है, जो प्रिजाइड करेंगे उस मीटिंग को, उसमें उन्होंने अपनी कास्ट का, अपने कास्ट का आदमी से उन्होंने मीटिंग्स को प्रिजाइड नहीं कराया है। ये विजन है। जिस समय आप सबको साथ लेकर चलने का की बात कर रहे हैं, तब आपको इतना बड़ा होना पड़ेगा। ये ड्रीम तभी पूरा हो सकता है जब आप सबको बताएंगे कि आपके लिए जगह है यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर में आप भी हैं, आप आ सकते हैं। इसके बगैर आपकी बात नहीं बनती है। सिर्फ आप बोलें कि पूरा देश सबका है, ये काफ़ी नहीं है। मुझे ये इस बात से प्रॉब्लम होती है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में SC का कोई जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का कोई जज आज तक कोई नहीं है, आपको महिला जज सिर्फ 3 हैं और आज़ादी के बाद सब तक सिर्फ 7 हुई हैं। तो ये मुझे प्रॉब्लम लगता है कि SC ST का एक केस वहाँ जाएगा, और अगर चीफ जस्टिस बहुत बेनिवोलेंट हुए और वो कोशिश करें कि उस बेंच में एक शेड्यूल कास्ट का जज भी बैठा दें ताकि उनका पर्सपेक्टिव देखने वाला भी कोई हो, तो ऐसी बेंच आज बनी नहीं सकती है। तो मुझे ये स्ट्रक्चर बिल्कुल समस्यामूलक लगते हैं। और ये सिर्फ जुडिशरी की बात क्यों है? आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर देख लीजिए, आपको शेड्यूल कास्ट का वाइस चांसलर कहाँ मिलेगा? आपको वहाँ उनके रजिस्ट्रार कितने मिलेंगे? OBCs का इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है। OBC का सिर्फ 1 इस समय वाइस चांसलर है। शेड्यूल ट्राइब का सिर्फ 1 है जिसको भी कुछ दिन में उसका भी हटा दिया जाए। शेड्यूल कास्ट का यहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद कोई नहीं है। तो हमने देश को बनाने का कुछ तय किया था, आपने लोगों से कुछ प्रॉमिस किया था, आपने डिलीवर कुछ और कर दिया है। ये प्रॉब्लम असल में कांशीराम साहब की है, और वो इसको बाकी और इंस्टीट्यूशन से पहले पॉलिटिक्स में इस सवाल को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हर किसी को लगे तो कि देश उनका है। कोई देश मजबूत देश का क्या मतलब है, कि मतलब क्या आप मजबूत बनाना चाहते हैं? अगर हर किसी को लगे ही नहीं कि वो देश मेरा भी है, इसमें मेरा भी स्टेक है, इसके रिसोर्सेज मेरा भी हिस्सा है, अगर ये मुझे नहीं लगे तो ये देश कैसे मजबूत देश है? ये देश फिर है ही किसका? तो ये जो समस्या है, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कांशीराम साहब ने पॉलिटिक्स में की, और वो एक प्रैग्मेटिक तरीके से भी इसको अप्रोच करते हैं। अब ये कह सकते हैं कि जब उनको पता था कि इस सिस्टम में चमचे ही आएंगे SC ST के प्रतिनिधि के तौर पर, फिर वो इस सिस्टम के अंदर क्यों इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाते हैं? उनके पास ऑप्शन था कि वो ना जाते इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो संविधान पर भरोसा ना करके वो जो नक्सलवाद का रास्ता है वहाँ चले जाते। उनके पास रास्ता था कि वो हिमालय जाके बैठ जाते। उनके पास बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन उनको दिए हुए सिचुएशन में आप शानदार कर सकते हैं। ये चैलेंज जीवन में कभी नहीं होता है, किसी स्टूडेंट के सामने भी नहीं होता है। आप दिए हुए सिचुएशन में सबसे शानदार क्या कर सकते हैं, चैलेंज ये होता है कि आपके पास बहुत सारे डेफिसिट्स हो सकते हैं, कि आपने छोटे सर से पढ़ाई की, आपकी आपको इंग्लिश भी हिंदी या मराठी में पढ़ाई गई, आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी नहीं थी, आपके घर में अच्छे सपने नहीं दिखाए गए। वहाँ पर MA में आप टॉप भी कर जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप BED कर लो, टीचर बन जाओ। ये सारे डेफिसिट्स आपके पास हो सकते हैं, होते हैं, हम में से ज़्यादातर लोगों के पास वो डेफिसिट होते हैं, लेकिन आप इसमें क्या डिलीवर करते हैं, ये चैलेंज होता है। तो कांशीराम साहब के पास भी ये चैलेंज था, ये सिचुएशन है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर आप क्या डिलीवर करोगे? तो उन्होंने इसलिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, जानते हुए ये सिस्टम खास करके रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चमचे ही पैदा कर सकता है। इसके बावजूद उन्होंने कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को बदला और ये कोशिश की कि OBC के सपोर्ट के साथ अगर SC एंड ST की लीडरशिप में कोई फॉर्मेशन बनता है तो वो फॉर्मेशन शायद इस देश को वो बना सकता है जो बनाने का हमने सपना देखा था आज़ादी के समय। इसलिए वो कभी भी बहुजन शब्द अपने आप में बहुत रेडिकल शब्द है, वरना अमेरिका में ब्लैक्स क्या हैं? माइनॉरिटीज़ हैं। आपके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप देखिए अमेरिकन गवर्नमेंट के, ब्लैक्स आर माइनॉरिटीज, हिस्पैनिक्स आर माइनॉरिटीज, इंडियन अमेरिकन आर माइनॉरिटीज, एशियन इंडियंस आर माइनॉरिटीज, ये सारे माइनॉरिटीज़ हैं। तो माइनॉरिटीज़ को आप कुछ देते हैं कि उनका भी वो भी उनको भी लगे कि कुछ चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। इसकी जगह पर उन्होंने इसको पूरा बदला कि नहीं, ये आप कुछ दोगे माइनॉरिटी के नाते SC ST को, इसकी जगह पर हम ये देखते हैं कि हम बहुजन हैं, हम इस देश को चलाएंगे क्योंकि हमारा स्टेक सबसे ज़्यादा है, और इसलिए हम इस देश को वैसा बनाएंगे जैसा इस देश को बनना चाहिए। तो
इसलिए कांशीराम साहब जब इस देश की पॉलिटी के साथ इंगेज करते हैं खुद को, तो उन्होंने पूरा इक्वेशन बदला, कोशिश की। वो कोशिश कितनी कामयाब रही इस पर आप बात कर सकते हैं आज की तारीख में, कि वो कहाँ जाकर रुक गया और क्यों रुक गया। ये पूरी डिबेट बहुत कंटेम्प्रेरी है, इसलिए इसको मैं अभी एक एकेडमिक डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाना चाहता हूँ कि आज कहाँ पर चीज़ें हैं, इस पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन कांशीराम साहब के सामने जो चैलेंज था, उसमें उन्होंने यही एड्रेस करने की कोशिश की कि इस स्ट्रक्चर के अंदर में इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एससी एसटी एंड ओबीसी एंड माइनॉरिटी के हित में कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये चैलेंज था उनके सामने, और इसी को एड्रेस करने की कोशिश की। इसलिए वो बहुत रेडिकल साउंड नहीं करते हैं, कई बार बहुत चमत्कारी नहीं दिखते हैं कि बदल देंगे सब कुछ, टाइप नहीं। वो एक ग्रेजुअल चेंज का जो प्रोसेस है उसी के बीच में वो लाते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि बहुत रेडिकल चीज इस मामले में है कि वो जो फुले साहब कहते हैं कि शूद्र आदि अतिशूद्र, वो एक वर्ड आपको गुलामगिरी मराठी में बार बार मिलेगा, शूद्र और अतिशूद्र को जोड़कर वो उनको लगता है कि ये जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है इसको चैलेंज करने के लिए ये फॉर्मूला काम कर सकता है। उसको वो बाइनरी बनाते हैं, ब्राह्मणिकल फोर्सेस एंड शूद्र आदि अतिशूद्र, ये बाइनरी वो बनाते हैं। तो कांशीराम साहब का लिटरेचर अगर आप पढ़ेंगे, इसमें वो भी इसी बाइनरी को बनाते हैं। 1585 की जो बाइनरी है वो उन्होंने बिल्कुल फुले से लिया है, और नॉर्थ इंडिया को तो फुले से पहला परिचय ही उन्होंने कराया। मैंने भी फुले का नाम इसलिए सुना क्योंकि कांशीराम साहब थे, वरना हमारी लाइफ में तो नहीं आते शायद उस तरह से, तो या मराठी लिटरेचर में पढ़ता शायद बॉम्बे आता तो देखता कि क्या है, अदरवाइज क्योंकि टेक्स्ट बुक में होता नहीं है, तो आप उस समय तो नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। तो फुले साहब का जो फॉर्मुलेशन है कि शूद्र और अतिशूद्र एक ग्रुप है, एक सोशल ग्रुप है, उसके अंदर मतभेद है लेकिन वो एक सोशल ग्रुप है, और वो ब्राह्मणिकल फोर्सेस से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो यही वाली बाइनरी, एक्सेप्टली यही बाइनरी कांशीराम साहब वहां से लगाते। इसलिए मैंने जब कहा था शुरू में ही कि आप कबीर के बगैर, फूले के बगैर, रविदास के बगैर, अम्बेडकर के बगैर कांशीराम साहब को मत देखिए, क्योंकि वो आइसोलेशन में नहीं है, वो अलग से नहीं पैदा मतलब कहीं से टपके हैं, वो इन्हीं सिचुएशन में इन्हीं लोगों से ड्रॉ करते हुए वो उन्होंने चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाया है। तो कांशीराम साहब इसके बाद जब DS4 बनाते हैं, फिर DSP बनाते हैं, तब तक उनकी कल्पना यही है कि इन सारे लोगों को जोड़कर, और बिल्कुल उनकी उनका भरोसा है इलेक्ट्रल सिस्टम पर, इसी लोकतंत्र पर भरोसा है, और इसी के जरिए हम चीज़ों को करेंगे, और जब हमारे पास सत्ता आएगी तो हम कुछ डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, यही उनका प्रॉमिस है। इसने जो चीज़ अचीव की वो ये कि नॉर्थ इंडिया के अंदर में पहली बार एससी एसटी और ओबीसी को लगा कि हम एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जो कि शासन कर सकता है। आप ये देखिए कि 1995 में शायद, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, मायावती पहली बार बनजी चीफ मिनिस्टर बनती हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, एक दलित और वो भी उसमें महिला, और जो कि एक तरह से फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट, और इसके बावजूद वो देश के सबसे बड़े स्टेट में रूल करती है और बहुत सारी चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश करती है। कांशीराम साहब के जो जमीन का सवाल, जैसे मेरे से पहले वक्ता ने कहा कि वो जमीन जो सरकारी जमीन है, वो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें वो करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, ये भी सच है। अगर आप उनको टोटलिटी में देखें तो हो सकता है कि वो जो जादू होना था वो जादू नहीं हो पाया, और इसकी वजह से फिर लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है। आपका एकेडमिक्स का डेमोक्रेटाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, जुडिशरी का बिल्कुल नहीं हुआ है, मीडिया का तो और भी नहीं हुआ है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर आपके किसी भी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को कई तरीके से कंट्रोल करते हैं। जैसे अभी आप बहुत शानदार बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात अगर बहुत लोगों तक नहीं पहुंचती है तो वो असर नहीं पैदा करती है। पॉलिटिशियन इन सारी चीज़ों को देखता है कि कैसे मैं इस ऐसे टफ सिचुएशन में कैसे खुद को कंडक्ट करूं, और ताकि मैं आगे और अगली बार भी आऊं और उसके बाद चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश करूं, अगर वो ईमानदार है तो। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन्होंने BSP के शासन में जो हो सकता था वो सारा कुछ नहीं हुआ। तो
अब आप देखिए कि अगर आप, अब मैं फिर एक बार 71 में जाता हूँ, 60s के लेट 60s और 70s के आसपास जाता हूँ, उस समय तीन धाराएं एक तरह से तीन स्ट्रीम्स चलती हैं। कांग्रेस की जो धारा है वो अपना सारी चमक वो खोती है और वो ग्राफ उनका नीचे की तरफ जाता है। स्टेट कई स्टेट वो शासन करते हैं, केंद्रीय शासन है, लेकिन चमक उनकी खत्म है। यहाँ से एक चीज मर रही है, तीन नई चीजें शुरू हो रही है। एक चीज शुरू हो रही है उस समय नक्सलवाद, दूसरी चीज शुरू हो रही है लोहिया पॉलिटिक्स जो किसानों को कह रही है कि तुम्हारे हाथ में शासन होना चाहिए, तीसरी चीज शुरू हो रही है बहुजनवाद जो कि कांशीराम साहब लेके चलते हैं। अब अगर हम कांशीराम साहब को हमने ये जिम्मा ले ही लिया है हिस्ट्री में सिचुएट करें तो प्रेजेंट से कितना बचे, थोड़ा समय उसमें उसमें थोड़ा समय जाना चाहूंगा कि अब ये तीनों धाराएं कहाँ कहाँ पहुंचती है। नक्सलवाद के जरिए लाल किले पर लाल झंडा नहीं आया, वो ड्रीम आज की तारीख में कोई देख भी नहीं रहा है कि एक रियल ड्रीम के तौर पर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ लोग निश्चित रूप से बहुत ईमानदारी से उसमें लगे हुए होंगे और उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ और उनको सलाम भी करता हूँ कि चलिए ठीक है आपका ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है हमें मालूम है, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से अपने कोशिश में लगे हुए हैं और उस चक्कर में बहुत बड़ी संख्या में बहुजन लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन फिर भी चलिए आपका ड्रीम है और आपको लगता है होगा तो हो भी जाए। हमने कोई हिस्ट्री पहले से प्रेडिक्ट करने का उतना बड़ा जोखिम तो मैं नहीं लेता हूँ, हो सकता है आप ही सोचो, लेकिन आज की तारीख में आपका ड्रीम पूरा होता नहीं दिखता है। लोहिया पॉलिटिक्स भी एक लेवल पर जाकर फंस जाती है जहाँ पर आपको देखिए कि कई जगह आपको ओबीसी लीडर्स दिखने लगते हैं, आपको देवराज अर्स दिखते हैं, आपको मुलायम सिंह यादव दिखते हैं, लालू यादव दिखते हैं। उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए बीजेपी अपने अंदर सोशल इंजीनियरिंग करती है और उसमें फिर अपने ओबीसी लीडर नेता खड़ी करती है, उसमें कल्याण सिंह, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, ये सारे लोग आपको दिखेंगे जगह जगह, ओबीसी का एक एसर्शन आपको दिखता है। ये क्रिस्टोफ जेफरले जिसको आप इस पूरे प्रोसेस को मिला जुला के साइलेंट रिवोल्यूशन कह रहे हैं वो हो रहा है। हालांकि क्रिस्टोफ जेफरले की ही एक मूल अवधारणा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव इसलिए कर गई क्योंकि यहाँ अंडर क्लास को लगा कि डेमोक्रेसी डिलीवर करेगी, डेमोक्रेसी से हमें कुछ मिलने वाला है। बाकी जगह पर ये फेल कर गया क्योंकि वहाँ पर लोगों को लगा ही नहीं कि कुछ मिलने वाला है, तो वहाँ पर उथल पुथल मच गई और सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो ये जो तीन धाराएं चलती हैं ये क्या अपने अपने प्रोमिसेस पूरी कर पाई हैं कि नहीं कर पाई हैं, ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ। इस पर कृपया विचार करें कि ये नक्सलवाद को लेकर लगभग अब मैं लगभग श्योर हूँ कि वो अपने ड्रीम्स को लेकर अब वो शायद ईमानदारी से खुद ही नहीं मानते होंगे कि ऐसा कुछ अभी कम से कम होने वाला है। लोहिया पॉलिटिक्स अपने आप को रीएडजस्ट कर रही है बार बार वो भी, लेकिन बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। वो उनको भी नहीं समझ में आया कि कोई एक अलग एजुकेशन पॉलिसी हो सकती है। कांग्रेस ने जहाँ पर हेल्थ केयर में जहाँ उनका फेलियर है उसके मुकाबले हमारी कोई हेल्थ की पॉलिसी हो सकती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी हो सकती है, इन चीज़ों को वो डेलीवरेट शायद कर ही नहीं पाए क्योंकि वो डे टू डे पॉलिटिक्स की जो जरूरतें होंगी और सत्ता में बने रहने की जो ख्वाहिश होगी और इसको पूरा करने के लिए जो जो करना पड़ा होगा उसमें पॉलिसीज के लेवल पर ये चेंजेज और करना और उसको फिर कन्विक्शन के साथ लागू कराना, इसको लोहिया पॉलिटिक्स भी एक लेवल पर नहीं कर पाई और इस वजह से वहाँ पर भी अब वो मोमेंटम नहीं है कि जो वो कहते थे कि पिछड़ा पावे 100 में 60 वगैरह, ये नारे भी अब लोहिया पॉलिटिक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो वो भी एक लेवल पर वहाँ पर भी उसकी चमक गई है। बहुजन पॉलिटिक्स के बारे में बात करके हो सकता है मैं आप में से कुछ लोगों को नाराज करूँ, लेकिन कांशीराम साहब के समय का जो ग्राफ है उस ग्राफ को मेंटेन करने में बहुजन पॉलिटिक्स सक्षम नहीं है। और ये कभी मत मानिए कि अंडर क्लास अपनी पॉलिटिक्स करेगा तो अपर क्लास या अपर कास्ट अपनी पॉलिटिक्स नहीं करेगा, और वो इसको करने में ज़्यादा सक्षम है। उनके पास वो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके पास वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर वो उस पर बात करते हैं। क्योंकि एकेडमिक्स उनके कंट्रोल में हैं तो आज की तारीख में जो अंडर क्लास है, जो सबल्टर्न्स हैं, इसके अंदर के हर कॉन्ट्राडिक्शन पर, लगभग भारत में अगर करीब 5,000 तरह के कॉन्ट्राडिक्शन्स होंगे ओबीसी एससी एसटी के अंदर, तो उन पर कम से कम 5,000 PhDs हो चुके हैं। मुझे आज मालूम है कि मांग और महार के बीच क्या झगड़ा है, मुझे आज मालूम है कि कुर्मी और यादव के बीच क्या झगड़ा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्राह्मण और ठाकुर के बीच में क्या झगड़ा है, या ब्राह्मणों के दो ग्रुप्स के बीच में क्या झगड़ा है, GSBs और चित्पावन के बीच में भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन्स हैं क्या, क्या उनके अंदर भी कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में अपर कास्ट या अपर क्लास पर जनरली पीएचडीज या स्टडीज नहीं होती हैं, जिसको मार्टिन निकोलस अमेरिकन सोशियोलॉजिकल कांग्रेस मेरे ख्याल से 1964 की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी या सोशल साइंस का काम ये है कि आप प्रोजेक्ट ऊपर से लो, रिसोर्स ऊपर से लो, आइडियाज ऊपर से लो, नीचे देखो कि क्या चल रहा है, नीचे का जो कुछ हो रहा है उसको देखो और उसके ऊपर को रिपोर्ट करो। पता नहीं मैं इसको बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ, जो लोग सोशल साइंसेज के उसको समझ पा रहे होंगे कि मैं आइडियाज ऊपर से ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट ऊपर से ले रहा हूँ, उसकी फंडिंग ऊपर से ले रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ कि नीचे क्या क्या हो रहा है और उसकी स्टडी कर रहा हूँ और ऊपर को बता रहा हूँ कि मांग और महार में ये कॉन्ट्रडिक्शन है और कुर्मी और यादव में अब इतना झगड़ा हो चुका है कि दोनों साथ नहीं आ सकते हैं। या जैसे कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में लेबर की साइकोलॉजी की स्टडी होती है, मालिकों की साइकोलॉजी की स्टडी नहीं होती है। तो आप ये सारी जो स्टडीज हैं, आपको इस समय दलित स्टडीज के सेंटर्स हैं, ब्राह्मण स्टडीज का कौन सा सेंटर है? मुझे उनके बारे में तो जानना है कि उन्होंने संस्कृत पढ़ना कब बंद कर दिया और इंग्लिश पढ़ना कब शुरू कर दिया। मुझे ये भी तो जानना है कि विदेश जाने से जात चली जाती थी, फिर जब ब्राह्मणों को लगा कि हमें विदेश जाना चाहिए तो उनकी जात नष्ट होनी बंद हो गई, ये कब हुआ हमें क्यों नहीं पता है? कोई स्टडी नहीं, आप में से बताइए, आप सारे लोग इतनी बड़ी लाइब्रेरी आप ढूंढ के मुझे एक स्टडी बताइए कि ब्राह्मणों ने ये अपने अंदर ये चेंज कब किया कि उनको उनको पढ़ाई लिखाई का काम की जगह उनको अब नौकरी करनी चाहिए, सेवा का काम करना चाहिए, जिसको सर्विस, ये सर्विस सेक्टर उनको क्यों होना चाहिए? तो ये कभी तो उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा ना, किसी टाइम लाइन में कहीं पर तो ये चीज़ें चल रही होंगी, इनकी कोई स्टडी नहीं है, दरअसल हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो कांशीराम साहब को भी आप देखें या बहन मायावती को देखें या लालू या मुलायम को देखें, वो इन इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पर लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले का एक केस होता है, उसमें उन पर जब उन दो तरह के केस होते हैं, एक तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस होता है, दूसरा केस होता है कि उन्होंने रिश्वत खाई है। रिश्वत खाने वाला केस जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस है, जिसमें ये साबित होता है कि लालू यादव के पास कोई डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट नहीं, उन्होंने उनके पास जितना है उसका वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न से बता देते हैं कि हमारे पास इतने ही है और इतने तो हमने कमाए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में वो केस खारिज हो जाता है, डीए केस। लेकिन उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस साबित हो जाता है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे और उनके समय में वो विड्रॉल्स पैसे का होता है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, तो ये कॉन्स्पिरेसी साबित हो गई आपको लोअर कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में। अब जब ये कॉन्स्पिरेसी साबित हो गई एक एक डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरी से पैसा निकालने का, उसमें उनको सजा हो जाती है 6 या 7 साल की। ये सजा जब खत्म होने वाली है तब सीबीआई हाईकोर्ट मूव करती है कि जितनी ट्रेजरीज हैं उनमें से जितने पैसे निकाले गए हैं वो अलग अलग केस हैं और इसलिए सबको अलग अलग चलाया जाना चाहिए। जैसे बैंक में डाका डालने वाले घुसते हैं और वो अलग अलग लॉकर से अगर सामान निकाल ले लेते हैं और 4-5 अलग अलग नोट की पेटी ले जाते हैं तो उन पर 5 केस 5 अलग पेटी जाने का और हर लॉकर का एक एक अलग केस होना चाहिए, ये सीबीआई ये इस आर्गूमेंट के साथ हाईकोर्ट जाती है। हाईकोर्ट कहता है कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं करता है, डबल जेओपार्डी नहीं हो सकती, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते हैं। अब सीबीआई इसके बाद इस केस को ले जाती है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं, वो इस केस को अरुण मिश्रा की बेंच में डालते हैं। अरुण मिश्रा कौन है? जिनके खिलाफ 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज खड़े होकर कहते हैं कि दीपक मिश्रा सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव केस एक ही खास बेंच को दे रहे हैं। याद कीजिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, भी यूट्यूब में हर किसी के पास पड़ा होगा, ढूंढ लीजिएगा। तो अब उस अरुण मिश्रा के बेंच में केस जाता है और वो फैसला देते हैं कि सारे जिलों की सब मिला के 70 ट्रेजरी हैं, 70 ट्रेजरी से जितने विड्रॉल हुए हैं हर विड्रॉल की कॉन्स्पिरेसी अलग है, इसलिए लालू यादव पे 70 केस चलेंगे। इसके बाद अब लालू यादव के खिलाफ कभी चाहे 62 ट्रेजरी से 7 साल की सजा जा रही है, उसके बाद देवघर में 2 ट्रेजरी है तो 2 ट्रेजरी से विड्रॉल हुआ है, विड्रॉल किसने किया है वो सबको कोई सजा नहीं हो रही है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर हैं तो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है इसलिए 7 और 7 14 साल की सजा देवघर ट्रेजरी। उसके बाद आपको दुमका ट्रेजरी 7
7 साल, मेरे ख्याल से 40 साल की सजा हो चुकी है और उनको करीब 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 450 साल की सजा होने वाली है। तो अगर पॉलिटिकल क्लास इन सिस्टम्स के साथ काम कर रहा है और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि बहुजनों के लिए बहुत एग्रेसिवली काम करे, जिसके बदले में 450 साल की उसकी सजा होनी है, कितना जोखिम लेगा? तो पॉलिटिकल क्लास कई बार जब ये बहुजन पॉलिटिक्स, द्रोहिया पॉलिटिक्स डिलीवर नहीं करती है और हम बोलते हैं कि चोर है, बिक गया, सवर्णों के हाथ में चला गया, जब दलाल है, चमचा है, सवर्णों के का जूता चाटता है, टैच जब बोलते हैं ना, तब हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ वोट से सरकार नहीं चलती है, इंस्टीट्यूशन से भी चलती है। वो इंस्टीट्यूशन, वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, वो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, वो ब्यूरोक्रेसी जो कि यहाँ पर जो कि बिल्कुल रिप्रेजेंटेड नहीं है। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से 88 सेक्रेटरी लेवल पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट और का शायद इस समय एक होगा, शेड्यूल ट्राइब का शायद कोई नहीं है, ओबीसी का एक या दो होगा। पुराना डाटा ये है कि 148 सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरीज में शायद मुश्किल से 5 या 6 इन सोशल ग्रुप्स के थे। तो ना ब्यूरोक्रेसी आपके हाथ में है, ना जुडिशियरी है, ना अकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ना मीडिया है। आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि सिर्फ शासन आ जाए तो आप पूरे देश को चला लेंगे और आप जैसा मन वैसे चला लेंगे और बहुजनों को भला कर देंगे और अपर कास्ट देखता रह जाएगा, वो 450 साल की सजा लिख देगा आपको। मीडिया में आप विलेन हो जाएंगे, आपको चारा चोर बता दिया जाएगा, आपको ताज कॉरिडोर में कहा जाएगा कि आप करप्ट हैं, आपके चप्पल फ्लाइट से आते हैं, आपका डिपिक्शन ऐसा हो जाएगा कि आपके अपने लोग आपको कहेंगे, आपसे नफरत करने लगेंगे। तो ये सिचुएशन है जहां पर इस समय देश है। तो कांशीराम साहब ने जहां तक सोचा था, जहां तक उनके पास जो गिवन सिचुएशन थी उसके हिसाब से उन्होंने बेस्ट फॉर्मुलेशन के साथ इस बहुजन मूवमेंट को ले जाने की कोशिश की। लेकिन कुछ नए चैलेंजेस इसके बाद आए, जिसको जो जैसे आप कोलिजन सिस्टम आ जाता है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC को मिलाकर 7 जज हुआ करते थे, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास उन जजेज को चुनने में उनका रोल था। पॉलिटिकल क्लास का रोल जैसे ही खत्म हुआ, जजेज ने जैसे ही जजेज को चुनना शुरू किया, ये दुनिया का यूनिक सिस्टम है कि जजेज अपने ब्रदर जजेज को चुनते हैं। ब्रदर जजेज वर्ड भी देखिए, वो कितना जेंडर के हिसाब से भी कितना अजीब सा है, वो ब्रदर जजेज चुनते हैं, उसमें सिस्टर आ जाए तो भी मतलब कभी कभी, तो वो ब्रदर जजेज चुन रहे हैं। और ब्रदर जजेज कई बार ब्रदर इन लॉ जजेज भी होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहा कि आप जो रिकमेंडेशन भेज रहे हैं उसमें इस नाम को भी शामिल कीजिए, और पता चला कि वो उनके ब्रदर इन लॉ है। इस तरह से जजेज चुने जा रहे हैं। तो सारे इंस्टीट्यूशंस जब आपके पास नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जब पॉलिटिकल क्लास को डिलीवर करना होता है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों को अपने जो नेता हैं उनके प्रति बहुत निर्मम होते हुए भी इतना निर्मम नहीं हो जाना चाहिए कि हम उनके आसपास की सिचुएशंस को ना देखें और उनको पूरे के पूरे ब्लैंकेट बेईमान बता के साइड कर दें। वो खास सिचुएशंस में काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से रीनेगोशिएट करते करते उनको लास्ट में लगता है कि अपर कास्ट को अपने आसपास रखे बगैर काम नहीं चल सकता है, यहाँ पर जाके बातें पहुँच जाती हैं। इसमें उनका दोष नहीं है इसमें। हाँ, हो सकता है कि वो भाई आपके पास एक टफ सिचुएशन है, आप टफ सिचुएशन को नेगोशिएट नहीं कर पाए तो आपकी कमजोरी है। आपको बाबा साहब के सामने कौन सा बहुत शानदार समय था, उस समय तो ये मिडिल क्लास भी इमर्ज नहीं हुआ था, SC ST OBC का, और तमाम तरह की सिचुएशन थी, वो लोग अपने लोगों तक पहुँचते ही कैसे होंगे, लेकिन उन्होंने कर लिया जहाँ तक पहुँच पाए। अभी का पॉलिटिकल क्लास हो सकता है कि उतना उस तरह से चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कोई नई चीज़ और बने, ये नेता हो सकता है कि नए ढंग से काम करें। लेकिन कांशीराम साहब के इस कंक्लूजन को याद रखिए कि उन्होंने एक खास हिस्ट्री के जंक्चर पर इंडियन डेमोक्रेसी को बचाया, और मैं अभी भी नहीं मानता हूँ इसके तमाम फेलियर्स के बावजूद कि इससे अच्छा कोई सिस्टम भारत जैसे देश में हो सकता है, जिसमें अभी भी कम से कम वोट के जरिए सरकारें चुनी जा रही है। ईवीएम को लेकर डाउट है निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी अभी भी हमें मोटे तौर पर मान के हम लोग चल रहे हैं कि वोट से सरकारें चुनी जा रही है। इससे अच्छा कोई सिस्टम क्योंकि नहीं है। इसकी वजह से इस डेमोक्रेसी को एक बहुत डीप क्राइसिस में जाने से बचाने के लिए कांशीराम साहब का अभिनंदन सिर्फ SC ST OBC को नहीं, इस पूरे देश को करना चाहिए और अपर कास्ट को भी करना चाहिए। क्योंकि अंडर क्लास अगर एक लेवल से ज़्यादा उनके आप धैर्य की परीक्षा लेंगे तो वही होगा जो बाबा साहब ने कहा था कि इस पूरे ढांचे को उठा के पलट देंगे, क्योंकि अब वो समय रहा नहीं, उन्होंने भी थोड़ी दुनिया देख ली है, तो उनको आप अगर बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो चलेगा नहीं। तो ये जो उन्होंने एक अलर्ट दिया था बाबा साहब ने, उस अलर्ट की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए
कांशीराम साहब के प्रति इस देश के सवर्णों को भी उनका आभारी होना चाहिए, उन्होंने एक बड़ी क्राइसिस से इंडियन डेमोक्रेसी को और इंडियन स्टेट को, एक तरह से इंडियन नेशन को बचाया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कांशीराम साहब इस देश में अगर किसी एक आदमी को भारत रत्न मिलना चाहिए पिछले 40-50 साल के काम की वजह से, वो काम कांशीराम साहब का है, मान्यवर का है, और इस वजह से मैं उनको नमन करता हूँ और अपनी बात खत्म करने की आप सबसे याद चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।